महिला, एक पहाड़ी बहन, मुझे सम्मान देकर, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी जैसे आज आ रहे हैं और ये जो भीड़ उमड़ी है ये उन्हें देखने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए उमड़ी है। उनके कर्म, उनकी देशभक्ति, उनका व्यक्तित्व, उनका जो चरित्र है वो हम समस्त देशवासियों के लिए जो है एक आदर्श है। उन्होंने बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हमें दी है। हमारे स्वाभिमान को, हमारे गौरव को जो है पूरे देश में जो है उन्होंने प्रतिष्ठित किया है। लेकिन जो 33% का जो उनका संकल्प है कि हमारी बेटियां और हमारी बहनें जो है वो किसी से कम नहीं है, वो भी हमारा मार्गदर्शन कर सकती हैं, हमारे देश का नेतृत्व कर सकती हैं। लेकिन सौभाग्यवश 4 मंडी की पार्लियामेंट्री सीट्स में से एक बेटी को देकर 33% का जो संकल्प है जो 29 से लागू होगा हमारे मंडी में, आज से जो है, जब से मैंने नॉमिनेशन फाइल की है तब से अवश्य लागू हो गया है। ये सिर्फ एक बेटी का मान नहीं है, ये सिर्फ एक बेटी का सम्मान नहीं है, ये सम्मान है मेरी समस्त मातृशक्ति का, मेरी समस्त हिमाचल की बेटियों का और बहनों का। अवश्य ही जिन पहाड़ी, जब मैं भी बाहर पढ़ने गई थी तो मुझे जो है अजीब अजीब तरह के नाम लेकर बुलाया जाता था। जब मैं मुंबई में गई तो मैंने इस बात का बहुत विरोध किया कि मैं अंग्रेजी नहीं बोल पाती थी तो मेरा मखौल उड़ता था। यहां तक कि से जहां मंडियालियारी बाक हुई, आहारी अगर हम हिंदी भी बोलते हैं तो एक बड़ी मीठी सी जो है एक लहजा आता है, उस तक का जो है चंडीगढ़ से लेकर जहां भी मैं जब जब गई तो एक ऐसा वक्त था, वो वक्त अलग था। आज वो वक्त नहीं है, लेकिन उस वक्त पे जो है मुझे एक हास्य का पात्र बनाया जाता था, मेरी जुबान का, मेरी अंग्रेजी ना बोलने का, मेरे पहाड़ से आने का, न जाने कितने तरीके से कहां कहां किस किस के कॉफी काउच में मेरा मजाक उड़ाया जाता था, और जिस बात का बहिष्कार मैंने समस्त भारत के सामने किया। लेकिन आज जब एक पहाड़ी बेटी को, जब एक पहाड़ी बहन को जो है एक प्रत्याशी बनाकर, एक भावी एमपी बनाकर, एक भविष्य की नेत्री बनाकर, जब विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जब आपके सामने खड़ी होती है तो उसका जो गौरव है और उनका जो वैभव है वो ऐतिहासिक बन जाता है। इसलिए मैं अपनी सारी मातृशक्ति की तरफ से, अपनी सारी हिमाचल की बेटियों की तरफ से, अपनी सारी बहनों की तरफ से जो है हमारे प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत नमन करती हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हमारे लिए वो सौभाग्यशाली दिन है जब प्रधानमंत्री जी जो है वो हमारा मार्गदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री जी के गुणगान करना तो यही बात है कि मानो हम सूरज को जो है दीपक दिखा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपकी बेटी, आपकी कंगना, आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि मैं भी मोदी जी की सेना में अब जुड़ चुकी हूं। उनके जो विकास का रथ है, जो विकास की और आधुनिकता की क्रांति उन्होंने समस्त विश्व में, समस्त भारत में जो लाई है, उसमें मैं भी उनकी जो है वो सेना में जुड़ चुकी हूं। उनका हिमाचल में जो है सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य, ये तीन जो है वो मेन एजेंडा है। सड़कों में अगर आप देखें तो एक क्रांति आई है। हमारे जयराम जी ने जो है 5000 किलोमीटर की रोड बनाने का एक ऐतिहासिक जो है वो लैंडमार्क काम किया है। और चाहे वो किरतपुर मनाली हाईवे हो या जो जितनी भी जो है एक
लाख करोड़ के बजट की जो है सड़कें जो है वो गडकरी जी ने अलॉट की हो, हर तरीके से जो है हिमाचल की कनेक्टिविटी पर हम मोदी जी के मार्गदर्शन के अंतर्गत काम करेंगे। और जहां तक आधुनिकता की बात है, कि हम कभी सोच सकते थे कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है वो ट्रिपल आईटी, आईआईएम, एम्स जैसे बड़े बड़े संस्थान खुलेंगे, हम कभी सोच नहीं सकते थे। हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है चाहे वो मुफ्त अनाज हो, चाहे वो आयुष्मान हो, हर स्कीम जो है, जल जीवन मिशन, क्योंकि मैं जिन जिन विधानसभाओं में जाती हूं, अभी ऐसे कुछ गांव हैं जहां पानी की भी दिक्कत है, हर जो है वो स्कीम जो केंद्र की जो है, मैं आपकी बेटी आप तक पहुंचाऊंगी।